पायलट ने भले ही राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी हो, भले ही अशोक गहलोत के लिए सचिन पायलट जंजाल बनते जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस उनके जैसे नेता को खोने के मिजाज में कतई नजर नहीं आ रही। सियासी जंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मीडिया के सामने किए गए शक्ति प्रदर्शन के बाद लग रहा है सचिन पायलट को सियासी पटखनी मिल गई है। पायलट जरा अलग थलग पड़ गए हैं, उनके बगावत का दाव चल नहीं पा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अंदरूनी कलह पर नजरें गड़ा कर बैठी है। सूत्रों का कहना है प्रियंका गांधी अब सचिन पायलट के इस्तीफे को रोकने के लिए, सचिन पायलट को बगावती होने से रोकने के लिए सामने आ गई है। राहुल गांधी के खास दोस्त सचिन पायलट को मनाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ले ली है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो विवाद जरूरत से ज्यादा जोर पकड़ चुका है, उसे खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा खुद सचिन पायलट और अशोक गहलोत से बातचीत कर रही हैं। जो जानकारी मिली है, कुछ देर पहले जयपुर स्थित कांग्रेस के मुख्यालय से सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष के पद वाले पोस्टर हटा दिए गए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के आदेश पर ये पोस्टर दोबारा लगवाए गए हैं। सूत्रों का कहना है प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बातचीत की है, भरोसा दिलाया है कि उनकी बातों को पार्टी में सुना और समझा जाएगा। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से कहा है कि आपस में बातचीत करें, इस विवाद को सुलझाएं। हालांकि ये भी कहना है मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस ने दूत बनाया है। मिलिंद देवड़ा को मुंबई से दिल्ली बुलाया गया है, सचिन पायलट को मनाने के लिए कहा गया है। सचिन पायलट की तरह मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, कहा जा रहा है कि राहुल फिलहाल अपनी बहन प्रियंका को आगे कर चाहते हैं कि प्रियंका राजस्थान में कांग्रेस को बिखरने से रोके, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पूरे प्रकरण पर बारीकी से नजर रखते हुए जल्दी जल्दी फैसले लेना शुरू कर दिया है। SPN 9 न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।